अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज आशा सिद्दीका एंड वी आर डूइंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ DSM-5। विड्रॉल एंड सोशल। विड्रॉल सोशल है कि एक इंसान चाहता है कि वो अकेला रहे और वो अकेला रहना ही प्रेफर करता है और वो दूसरों के साथ या सोशल सिचुएशंस को अवॉइड ही कर रहा होता है। अब अवॉइडेंस ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट एंड एक्टिविटी जो सी होती है, लेक ऑफ इनिशिएशन ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, कि वो इनिशिएटिव भी नहीं लेता सोशल कॉन्टैक्ट में, खुद जाने का, लोगों से खुद बात करने का इनिशिएटिव भी नहीं ले रहा होता, उन चीज़ों को अवॉइड कर रहा होता है। और तो और ये जो सा सोशल विड्रॉल है, ये एक फैसेट है जो कि ब्रॉड डोमेन, पर्सनैलिटी डोमेन है, ट्रेड डोमेन, डिटैचमेंट उसका ये एक फैसेट है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या बात की, इसमें सबसे पहले हमने बात की कि वो इंसान अकेला जाना रहना चाहता है और सोशल सिचुएशंस से को अवॉइड कर रहा होता है, सोशल कॉन्टैक्ट एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड कर रहा होता है और वो एक इनिशिएटिव नहीं ले पाता लोगों से कॉन्टैक्ट करने का, लोगों से कॉन्टैक्ट करके बातचीत वगैरह और मिलना जुलना वगैरह उसका इनिशिएटिव नहीं ले पाता। अगर उसको थोड़ा बहुत मनाना पड़ता है कि भाई मिल ले, भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, फिर में भी वो मिल ले, लेकिन विड्रॉल सोशल इट्स मीन कि वो इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा। और ये एक ब्रॉड पर्सनैलिटी ट्रेड डोमेन है, डिटैचमेंट उसका एक फैसेट है। आई होप कि आपको समझ आया हो और मदद भी मिली हो। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और डू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। और अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।